केंद्र में तो बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य अब खो देगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है 3 महीने बाद। और अब आंकड़ों की देखी जाए तो उसमें विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र के इंडिया की जीत क्यों हो रही है, ये आपको समझना है कि कैसे पलट सकती है महाराष्ट्र की सत्ता। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि अगर इस वक्त होते हैं विधानसभा चुनाव, हालांकि होंगे अक्टूबर सितंबर में, लेकिन अभी हो जाते हैं तो कौन जीतेगा। दूसरा, एनडीए के अंदर नाराजगी आखिरकार क्यों है। और तीसरा, एनडीए पर कैसे भारी पड़ गया है इंडिया। चौथा, किन कारणों के कारण महायुति महाराष्ट्र में हार गई। आपको पता होगा लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है और महायुति मतलब एनडीए। पांचवा है, जीत के लिए एनडीए को अब क्या करना होगा कि जो लोकसभा चुनावों में उनको देखने को मिला है वो कैसे बेहतर किया जाए कि विधानसभा चुनावों में अपनी सत्ता वो लोग बचा पाए। तो नमस्ते, मैं हूँ रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े समझा देना चाहती हूँ। तो देखिए, महाराष्ट्र लोकसभा 2024 के नतीजे मैं आपके सामने रख देती हूँ। कुल सीटें हैं 48, एनडीए के खाते में आई है 17 और इंडिया गठबंधन के खाते में आई है 30 और जो अन्य है यानी इंडिपेंडेंट है उनके खाते में आई है 1। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपको साफ दिख रहा होगा कि इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन किया है। अब अगर हम एक लोकसभा सीट को 6 विधानसभा सीट के समान रख देते हैं तो देखिए क्या होगा कि ये संभावित है कि अगर इस वक्त विधानसभा चुनाव होते हैं, कुल कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 288, बहुमत का आंकड़ा क्या है 145, और अगर सेम परफॉर्मेंस सेम इंडिया परफॉर्मेंस अपना विधानसभा चुनावों में भी करता है तो एनडीए और अदर्स को मिला के 108 और इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 180 सीटें, यानी बहुमत के और भी ज़्यादा ऊपर। तो मतलब इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो बन सकती है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का, अगर हम देखें, अगर स्थिति अभी वाली रहती है तो। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि 2024 वाली कैसी वोट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए कि क्या स्थिति रही कि अगर वही सेम रिपीट हो जाती है विधानसभा चुनावों में भी तो महाराष्ट्र जैसा राज्य इंडिया गठबंधन के हाथों में आ जाएगा। तो देखिए, 2024 की लोकसभा चुनावों की अगर मैं सीटें की बात करती हूँ, और आपको ये समझना होगा कि महाराष्ट्र में एनडीए को महायुति कहा जाता है, महायुति नाम है, और इस बार बीजेपी ने 9 सीटें जीती है, शिवसेना यानी शिंदे की शिवसेना ने 7, एनसीपी यानी अजीत पवार की एनसीपी ने 1, तो टोटल कर लीजिए 17। और एमवीए को यानी इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में एमवीए का नाम दिया गया है यानी महाविकास अघाड़ी। तो कांग्रेस ने इस बार 13 सीटें जीतकर वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एसएचएस यूबीटी यानी उद्धव की पार्टी 9 सीटें, एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी 8, तो अगर कुल कर लेते हैं आप तो 30। तो देखिए इंडिया गठबंधन का 30 का परफॉर्मेंस, और इधर अगर मैं एनडीए की बात करती हूँ तो 17 का परफॉर्मेंस। अगर अब हम वोट परसेंटेज देखते हैं तो बीजेपी 26.18%, इधर शिंदे की शिवसेना का 12.95%, एनसीपी का 3.60%, बहुत कम, यानी टोटल कर लीजिए 42.73%। और अगर आप इंडिया गठबंधन को देखते हैं तो कांग्रेस का 16.92%, एसएचएस यूबीटी का 16.72%, एनसीपी एसपी का 10.27%, और अगर आप टोटल कर देते हैं तो 43.91%। और अगर आप वोट परसेंटेज देखते हैं तो आपको यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, सीटों का बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन वोट परसेंटेज का आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन का 43.91 और एनडीए का 42.73। अब क्योंकि महाराष्ट्र में अक्टूबर या फिर सितंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो आपको जानना होगा कि अभी इस वक्त विधानसभा की स्थिति क्या है। आपको पता होगा कि 2019 में विधानसभा चुनाव हुए, फिर 2022 में पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई, शिंदे छोड़कर आ गए उद्धव को और एनडीए में आके शामिल हो गए, तो उस वक्त के बाद से क्या स्थिति है। तो देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करती हूँ तो इधर सरकार यानी आप एनडीए में सबको मिला लीजिए, अदर्स मिला लीजिए, इंडिपेंडेंट यानी जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है वो 203 है, विपक्ष की बात करते हैं तो 71 है और खाली सीटें हैं वहाँ पर 14। तो देखिए 288 का अभी इस वक्त ये स्थिति है। और आपके लिए मैं इसको और तोड़ देती हूँ, सरकार में कौन कौन आ गया, बीजेपी 103, एनसीपी 40, शिवसेना 38, इंडिपेंडेंट 14 और अन्य के खाते में 8, और इधर जो एनसीपी और शिवसेना है वो एक तो ये शिवसेना शिंदे की है और एनसीपी अजीत पवार की है। अब आप इधर आ जाइए विपक्ष में तो कांग्रेस 37, इधर शरद पवार की पार्टी 12, उद्धव की पार्टी 16 और अदर्स 10। तो अब आप देख लीजिए कि ये इस वक्त की स्थिति है। अब आपको ये जानना है कि लोकसभा नतीजों में ऐसा क्या क्या बड़ा हुआ है इस बार वाले हम नतीजे देखते हैं तो देखिए, शिंदे गुट ने अपना गढ़ मुंबई नॉर्थ सेंट्रल भी गवा दिया है, यानी वहां पर हार गई है। यूपी के बाद बीजेपी को महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है।
2014 में फडणवीस की लीडरशिप में अगर मैं आपको बताती हूँ तो बीजेपी ने, और अगर पूरा ओवरऑल मैं बताती हूँ, एनडीए 41 सीटें जीती, 2019 में 42, और इधर बीजेपी ने 23 सांसद थे उसके पास, लेकिन इस बार 2024 में महज 9 सीटें जीती। 2019 में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सांसद था, यानी एक सीट थी, लेकिन 2024 में देखिए 13 सीटें हो जाती है। तो ये कांग्रेस के लिए इंडिविजुअली एक बहुत बड़ी बात है। मुंबई रीजन अब भी उद्धव ठाकरे के पास है, यानी बहुत से उसमें एरियाज हैं जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही जीती है। अपने अलायंस में दोनों शिवसेना मजबूत है, यानी एक तरफ से शिंदे भी मजबूत हैं और एक तरफ से उद्धव भी मजबूत है। और कहीं ना कहीं ये जो अजीत पवार वाला दावा था कि असली एनसीपी हम हैं, शरद पवार वाली एनसीपी नकली है, तो ये जो दावा है वो फेल होता हुआ दिखा है अजीत पवार का यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट आ जाइए, एनडीए के अंदर आखिरकार नाराजगी किस बात की है। तो देखिए, पहले मैं आपको दो बयान बताती हूँ। अजीत पवार ने कहा 10 जून को जब शपथ ग्रहण हो रहा था कि हम लोग कैबिनेट से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हमको मत दो, हम आराम से वेट करेंगे। तो इसका नतीजा यही था कि अभी अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का कोई भी मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में नहीं है। फिर देखिए, शिंदे गुट के श्रीरंग बारणे क्या कहते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया कि हमने इतनी सीटें जीती फिर भी एक राज्य मंत्री का आप हमें पद देते हो स्वतंत्र प्रभार वाला, तो ये हमारे साथ गलत है, हमको एक कैबिनेट मंत्री भी चाहिए पद। और जिसने एक एक दो दो सीटें जीती हैं उनको तो आपने दे दिया कैबिनेट मंत्री का पद, लेकिन हमको सिर्फ आपने राज्य मंत्री का दिया, तो ये गलत है। तो देखिए, शिंदे गुट और अजीत पवार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुके हैं। तो अब कयास ये है कि शिंदे और अजीत पवार नाराज हैं, लोकसभा में भी कम सीटें आई हैं, एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। और अगर इमेजिन कीजिए कि शिंदे और अजीत पवार अलग हो जाते हैं एनडीए से, तो एनडीए को करीब 48 सीटों का नुकसान हो सकता है। दोनों चुनावों का वोटिंग पैटर्न हालांकि अलग हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में अलग मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाए और वोट दिए जाए, और विधानसभा में अलग। और आपको मैं बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने टारगेट दिया है 185 सीटें लानी है इंडिया गठबंधन को। ये देखिए 3 महीने में, ये तो शरद पवार का भी कहना है कि 3 महीने में सत्ता हमारे पास होगी। कब कहा शरद पवार ने? 10 जून को जब इन लोगों का स्थापना दिवस था, तो कहते हैं कि 3 महीने में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे तो सत्ता एक बार फिर हमारे हाथों में होगी। इससे पहले कि मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि अगर आपका भी सपना है एक एंकर बनने का, तो आप न्यूज 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज आइजोम्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिर्फ लॉगिन करना है www.izoms.com पर, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। अब देखिए कि एनडीए पर कैसे भारी पड़ गया इंडिया गठबंधन। देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया लोकसभा चुनावों में, ये सामने सामने दिखा। अब जानकारों का ये कहना है कि इसके बाद दल बदल की स्थिति संभव है, कि ऐसा ना हो कि एनडीए के लोग तोड़कर इंडिया गठबंधन में आ जाएं, या फिर एनडीए ऐसी कोई चाल चल दे कि इंडिया गठबंधन वाले एनडीए में आ जाए। तो ये दल बदल वाली जो स्थिति है चुनावों से पहले बहुत देखी जा सकती है। अजीत की एनसीपी अभी बहुत ही नाजुक दौर में है। क्यों ऐसा? एक तो एक सीट जीती, फिर उसके बाद अभी मंत्री पद भी कोई नहीं मिला है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी शायद अजीत पवार को इतना ध्यान ना दे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, और देखिए नहीं हुई है। और अगर विधानसभा चुनाव में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो देखिए वो उनकी अस्तित्व की जंग होगी। तो क्या आपको बता दूं मैं, देखिए एक सीट जीती एनसीपी, मंत्री नहीं, 18 शरद पवार के संपर्क में है। शरद पवार गुट का ये दावा है कि 18 जो नेता हैं अजीत पवार के वो हमारे संपर्क में है, तो देखिए खेला हो जाएगा। अब इस पे यही कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि अजीत पवार पर बीजेपी कम ध्यान दे और जो उनकी रिक्वेस्ट है वो ना माने, और अगर गलती से भी चाचा के पास चले जाते हैं अजीत पवार, अपने चाचा शरद पवार के पास चले जाते हैं, तो देखिए बहुत बड़ा बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 19 सभाएं, 4 रोड शो किए महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी जहां जहां जिन जिन इलाकों में किए एनडीए के 15 कैंडिडेट वहां पर हार गए। चौथा पॉइंट है कि किन कारणों से हारी है महायुति यानी एनडीए। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार एमबीए यानी इंडिया गठबंधन की जो तैयारी थी वो बेहतर थी, उम्मीदवार उन लोगों ने पहले से तय कर लिए, तो उन लोगों को समय मिल गया ज्यादा अच्छे से प्रचार करने का। और अगर मैं एनडीए की बात करती हूँ यानी महायुति की बात करती हूँ, तो सीट शेयरिंग को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर बहुत कंफ्यूजन था उनके अंदर, और बहुत आप ये देख लीजिए आर्ग्यूमेंट्स थे, महायुति में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी, और अजीत जो है वो खुद में ही सीमित रह गए। मतलब इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के गठबंधन साथियों के लिए ज्यादा प्रचार नहीं किया, लोकल गुटबाजी का असर रहा, आपस में प्रचार नहीं किया।
मौजूदा एसएच सांसदों को टिकट नहीं, बीजेपी सर्वे गलत। बीजेपी एक ये दावा है कि बीजेपी ने एक सर्वे करवाया जिसमें उन लोगों ने कहा कि आप मौजूदा शिवसेना शिंदे को ये बोला कि आप अपने मौजूदा सांसदों को टिकट मत दीजिए, लेकिन वो जो सर्वे था वो फेल हो गया और जितने भी ये शिंदे वाले नेता थे वो कमजोर पड़ गए और हार गए। उद्धव को मराठी, मुस्लिम और दलित का वोट मिला है और बीजेपी को ये तीनों ही वोट बैंक खफा रहे हैं बीजेपी से और एनडीए से। और ये पूरे जो तीन बड़े वोट बैंक हैं महाराष्ट्र में वो सारे उद्धव और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मिले हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी को नुकसान, आपको पता है ये जो मराठा आंदोलन है उससे बीजेपी को, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ तो फडणवीस को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि मराठा आंदोलन में आपको पता होगा मनोज जारंगे ने फडणवीस को पूरा विलेन बना दिया और ये जो मराठा आंदोलन का असर है वो नतीजों पर भी दिख गया। फिर देखिए किसानों में फसल का नुकसान हुआ, कम मुआवजे पर नाराजगी रही किसानों की। फिर उन लोगों का ये भी दावा था कि कपास के भाव नहीं मिले, प्याज का एक्सपोर्ट भी बंद रहा, रोजगार महंगाई के मुद्दे पर युवाओं में भी गुस्सा था, तो ये सब कारण बने। अब सवाल आता है कि जीत के लिए एनडीए को क्या करना होगा। अब अगर एनडीए को जीतना है, ये सारी खामियां, ये कमियां, ये नतीजे पलटने हैं तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो शरद पवार और उद्धव के लिए ये जो जनता में सहानुभूति है कि उनकी पार्टी तोड़ दी, आधी पार्टी एनडीए के साथ मिल गई, उनकी जो असली पार्टी थी उनसे वो छीन ली गई, तो ये जो जनता में सिंपथी है ना, उस चीज को किसी तरीके से खत्म करना होगा। किसानों की समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कितने ही सुसाइड हुए हैं। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तभी 200 किसान सुसाइड कर लिए थे। ग्रामीण क्षेत्र महाराष्ट्र में 55% है। और देखिए शरद पवार भी, मैं आपको बता दूं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों का झुकाव शरद पवार की तरफ देखने को मिलता है। अब बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी समस्या है, युवा बहुत परेशान है, इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा बीजेपी और ओवरऑल पूरी महायुति यानी एनडीए को। मराठा वोट बैंक बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको पता है कि मराठा आंदोलन के चलते कितने खफा रहे हैं जितने भी है मराठा क्षेत्र वाले हैं, तो उनकी नाराजगी आपको दूर करनी होगी और उनका वोट बैंक अपने पास लेना होगा। मनोज जारंगे आप सबको पता होगा। फिर देखिए लोकसभा में एनडीए मराठा वाली 8 में से 7 सीटों पर हार गई, तो ये बड़ा संदेश है मराठा लोगों का। मोदी कैबिनेट में 2 मराठा हैं और कहीं ना कहीं इधर मोदी कैबिनेट में साधने की कोशिश की गई है एनडीए की तरफ से, क्योंकि 2 मंत्री पद हैं वो मराठा को दिए गए हैं। और देखिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है बीजेपी को, यानी एनडीए को, अगर अपनी पूरी पूरी सत्ता बचा के रखनी है तो। फडणवीस के बिना राय के लिए इस्तीफे वाली मांग, क्योंकि इसका एग्जाम्पल सामने दिख दिया। अभी हाल ही में मैंने ही अपने शो में बताया था कि फडणवीस ने मांग की है कि मैं हार का अपने ऊपर पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ और अब मैं अपने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा चाहता हूँ और मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूं। तो फडणवीस ने बिना किसी अपने साथी से, जितने भी एनडीए के साथी हैं उनसे बिना राय लिए हुए उन्होंने इस्तीफे की मांग कर दी। अल्पसंख्यकों की नाराजगी हार का कारण है, ये बयान है अजीत पवार का। अजीत पवार भी मानते हैं बीजेपी की जो अल्पसंख्यकों की जो नाराजगी है बीजेपी के लिए वो कहीं ना कहीं हार का कारण बन गई। तो देखिए ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको बहुत ही अच्छे से बीजेपी को, एनडीए को कवर करना होगा और इंडिया गठबंधन को भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि अगर लोकसभा चुनाव में ऐसा परफॉर्मेंस रहा है, जरूरी नहीं है कि विधानसभा चुनावों में भी वैसा ही रहे, लेकिन जो भी होगा जनता का इसमें फिर से फायदा होगा, क्योंकि आपको लुभाने के लिए हर कोई कोशिश करेगा और फिर फैसला आपको ही लेना है। आप अगली न्यूज़ के लिए News24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।